फिर जब भी हमें टाइम देखना होता है तो हम घड़ी की तरफ सिर्फ इस तरह से देखते हैं और गाइस जिसमें टाइम देख करके फिर अपना काम करने लग जाते हैं या फिर अगर हम बाहर होते हैं तो हमारी हाथ की घड़ी से टाइम को देख लेते हैं। लेकिन गाइस जब हम टाइम देखते हैं तो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए देखते हैं। लेकिन गाइस क्या होगा अगर हम इस पूरी घड़ी को 24 घंटे तक देखते ही रहे और वो भी बिना नजर हटाए? क्या गाइस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम पूरे 24 घंटे तक इस घड़ी को देखते ही रहे? फिर चलो आज हम इसी एक चैलेंज को ट्राई करके देखते हैं। तो यार इसके लिए आज मैं इस घड़ी को एक जगह पर रख दूंगा और गाइस उसके बाद हम इस सबसे छोटे वाली सुई को 12 पर सेट कर देंगे और गाइस जिसके बाद मैं एक जगह पर बैठ करके इस घड़ी को देखूंगा और गाइस मैं इसको तब तक देखता रहूंगा जब तक इस घड़ी में 12 घंटे ना हो जाते। तो यार जब एक घड़ी चलती है तो इसकी छोटी वाली सुई यहाँ से चल करके वापिस इसी जगह पर आ जाती है और गाइस आज मैं इसी चीज को देखने वाला हूँ। क्या गाइस मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं, चलो आज पता करके देखते हैं। यार इस तरह का चैलेंज आज दिन तक किसी ने भी नहीं किया होगा, चलो आज हम ट्राई करते हैं। तो यार भी मैं इस रूम पर आ गया हूँ और गाइस यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप रेडी कर लिया है और गाइस यहाँ पर अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग कैमरा लगा दिए और गाइस इन सब पर मैंने चार्जर से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि गाइस यहाँ पर पूरे 12 घंटे तक ये सारे कैमरा ऑन रहेंगे। तो यार चलो अब हमारे इस चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं और गाइस यहाँ पर मैंने इस घड़ी को बंद किया हुआ है और गाइस यहाँ पर हम इस 12 बजे इस घड़ी को स्टार्ट करेंगे। चलो मैं इस घड़ी पर सेल डाल करके इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार भी हमारी घड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चलो अब यहाँ से हमारे टाइम को स्टार्ट करते हैं। और गाइस जिन कैमराज के अलावा हमारे यहाँ पर रूम पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिसके फोटेज यहाँ पर हमारे मोबाइल पर शो हो रहे हैं और गाइस ये पूरे 24 घंटे ऑन ही रहता है। चलो आप देखते हैं कि क्या होता है। यार मुझे इस घड़ी को देखते हुए एक घंटे से ज्यादा हो गया लेकिन गाइज ये घड़ी अभी रुक चुकी है। वैसे गाइज ये घड़ी पहले भी प्रॉब्लम कर रही थी लेकिन गाइज मुझे नहीं पता था कि ये बीच में ही रुक जाएगी और गाइज अभी हमारा जो एक घंटा था वो पूरा वेस्ट जा चुका है क्योंकि गाइज एक घंटे बाद ये घड़ी रुक गई है। तो चलो अब हम इस नई घड़ी के साथ हमारे चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और अभी मैंने इसके दोनों सुइयों को बराबर फिक्स 12 पर लिया हुआ है। चलो अब मैं सेल को डाल करके इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमारी घड़ी जो है चालू हो चुकी है। यार अभी तो मुझे इस घड़ी को देखते हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है और गाइस अभी से मेरा जो सिर है बहुत भारी भारी लग रहा है और गाइस ये बहुत ही बोरिंग काम है और गाइस मुझे अभी से नींद आने लगी है। लेकिन गाइस वैसे और दिन तो मैं 2 से 3 बजे सोता था लेकिन गाइस आज तो अभी से ही नींद आ रही है। चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। यार मुझे इस घड़ी को देखते देखते पूरे 2 घंटे हो गए हैं लेकिन गाइस मैं बैठा बैठा बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ इसलिए गाइस मैं इस पजल क्यूब से खेल रहा हूँ। इससे गाइस मेरी नजर तो वहाँ पर है लेकिन गाइस जैसे टाइम पास के लिए मैं इसको खेल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। तो यार अभी मुझे इस घड़ी को देखते देखते पूरे 3 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं लेकिन गाइज अभी रात के 3 बज चुके हैं और मुझे अभी सर्दी भी लगने लगी है। चलो मैं कंबल ओढ़ करके बैठ जाता हूँ। तो यार अभी तो सिर्फ 3 घंटे हुए हैं लेकिन गाइज अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है और सच में चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यार अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और गाइज अभी मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ और गाइज बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है और गाइज इसके साथ साथ बहुत जोर से सर्दी भी लग रही है लेकिन गाइज क्या करें इस चैलेंज को पूरा तो करना है और गाइज जब तो मेरी आंखें भी दर्द करने लगी हैं। चलो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी सुबह के 5 बज गए हैं और गाइस हमारा जो चैलेंज है लगभग 50% पूरा हो गया है। अभी 50% हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है और गाइस अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है लेकिन गाइस मैं सो नहीं सकता। चलो अब देखते हैं कि हम इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं क्योंकि गाइस अभी तक तो मैं कैसे ना कैसे इसको सहन कर पा रहा हूँ और गाइस लिटरली ये चीज बहुत ही ज्यादा बोरिंग और गाइस बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। तो चलो देखते हैं कि हम इस चैलेंज को कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं। तो यार गाइज मुझे इस घड़ी को देखते हुए पूरे
8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन गाइस अभी मेरा जो यहाँ से सिर है बहुत तेजी से दर्द कर रहा है और गाइस अभी मुझे चक्कर आने लगे हैं और गाइस सच में इस चीज को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और गाइस मुझे अब लग रहा है कि मैं इस चैलेंज को शायद ही मुश्किल से कर पाऊंगा क्योंकि गाइस अभी मेरा जो सिर है बहुत तेजी से दर्द कर रहा है क्योंकि गाइस मुझे सिर्फ इस घड़ी को देखते हुए 8 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं और गाइस अभी तो मुझे इसको 4 घंटे और देखना है तब जाकर के इसमें 12 बजेंगे। तो यार चलो देखते हैं कि मैं इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर पाता हूँ या फिर नहीं। फिलहाल तो मुझे इसको पूरा करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन गाइस फिर भी मैं ट्राई करूंगा इसको पूरा करने की। तो यार अभी हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट होने वाला है और गाइज यहाँ पर 11 बज चुके हैं और गाइज 11 से ऊपर हो गए हैं, अभी 12 बजने वाले हैं। तो यार फाइनली हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है और गाइज यहाँ पर हमने 12 बजे स्टार्ट किया था और गाइज सो यहाँ से घूम करके वापस यानी गाइज मुझे 12 घंटे हो गए हैं इस घड़ी को देखते हुए, लेकिन गाइज इस घड़ी को लगातार 12 घंटे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और गाइज इसको देखते देखते कभी कभी बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट हो रहे थे, जैसे गाइज ये घड़ी मुझे कभी कभी उल्टी दिखाई दे रही थी और गाइज कभी कभी इसकी सुई जो है मुझे ये छोटी वाली सुई बहुत ही फास्ट चलने लगी थी ऐसा मुझे लग रहा था। फिर वीडियो चली गई तो एक लाइक जरूर से करना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।